आरएलजेडी का दावा है, जिसमें से 5 सीटें जो है वो आरएलजेडी अपने खाते में रखना चाहती है। अब इसमें से देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी सीटें उसे मिलती है, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा पूरा जो ध्यान है वो बिहार में खास करके इन युवाओं पर है। इंडिया गठबंधन को हराने के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से आरएलजेडी को प्रतिनिधित्व मिलने वाला है, ये बातें भी कमोबेश अब लगभग फाइनल होने लगी है। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल एक साथ मिलकर के एक स्वर में, एक भाषा में और एक शब्द को बोलेंगे तो उससे एकता प्रदर्शित होगी, और इसके लिए हमें एक बैठक का आयोजन, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बिहार में राजनीतिक रूप से अब पूरी तरह से सीधा सामने सामने लड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी है, अपनी अपनी रणनीति और अपने अपने तरीके से काम भी शुरू हो गए हैं और रणनीतियां भी जमीन पर उतारी जाने लगी हैं। इन रणनीतियों में जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नज़र आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में सारा कमान ले लिया है, तो अभी इंडिया गठबंधन को उस कमान को कौन लेगा इसका फैसला करना है। हालांकि चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार और सोनिया गांधी के हाथ में पूरा कमान होगा, जबकि 11 लोगों की कमेटी जो है वो इस पूरे खेल को और पूरी रणनीति को देखेगी, चाहे वो सीट शेयरिंग का समझौता हो या अन्य बातें हों। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया था कि किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। इस बीच कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी जब तक तैयारियां शुरू करेगा, जब तक लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, तब तक एनडीए गठबंधन अपनी पूरी रणनीति को का जाल बिछा चुका होगा। आपको बता दें कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आज हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा है। आधा समय तक तो ये बातें कही जा रही थी, जो अलग अलग जगह से खबर आ रही थी उसमें नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, नीतीश कुमार का दिल्ली जाकर के अरविंद केजरीवाल से मिलना, हालांकि अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है, तो वहीं अटल जी की समाधि पर उनका श्रद्धांजलि देना, ये सारी बातें चर्चा में थी। लेकिन ये चर्चा अब नई शुरू हुई है कि नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि 18 तारीख को जो बैठक दोनों घटक दल की हुई थी, एक बेंगलोर में और दूसरी दिल्ली में, उस बैठक के बाद बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई जिसमें इंडिया गठबंधन पीछे है। अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन में जब 18 तारीख की बैठक हो रही थी तो चिराग पासवान ने एक प्रस्ताव रखा था, और वो प्रस्ताव था कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल एक साथ मिलकर के एक स्वर में, एक भाषा में और एक शब्द को बोलेंगे तो उससे एकता प्रदर्शित होगी, और इसके लिए हमें एक बैठक का आयोजन, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात मान ली और इस पर एप्रिशिएट भी किया। तो वहीं एक और सबसे बड़ी बात हुई कि माधव आनंद ने एक सूत्र दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है, कि जहां एक तरफ अंकगणित की बात हो रही थी कि मैथमेटिकल टर्म में इंडिया जो है वो एनडीए गठबंधन को हराएगा, एक के ऊपर एक उम्मीदवार दे करके, यानी एक उम्मीदवार जब एनडीए का होगा तो उसके विरुद्ध साझा इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, लेकिन माधव आनंद ने इस पूरे समीकरण पर एक नया समीकरण दिया है कि मैथमेटिकल नहीं बल्कि जो केमिस्ट्री है वो ज्यादा बेहतर होती है। अगर केमिस्ट्री जो है वो सही होती है तो मैथमेटिकल टर्म बहुत पीछे छूट जाता है, यानी केमिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैथमेटिकल्स। अब इसके पूरे जो कार्यक्रम है इसको समझ में एनडीए गठबंधन को आ गया है, और दोनों युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जिम्मेवारियां दी हैं, जिसकी चर्चा हमने आपको पहले भी किया था कि एक जिम्मेवारी तो ये दी गई थी कि जब चिराग पासवान ने 18 तारीख को प्रधानमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री जी हमें एक साथ मिलकर के एक स्वर में बोलना होगा, तो वो मान लिया गया, और आपको हमने बताया भी था कि किस तरह से बैठक हुई, लोगों को समझाया गया, और जितने भी प्रवक्ता और मीडिया से जुड़े हुए लोग थे अलग अलग राज्यों में, खास करके बिहार की अगर बात करें तो सभी घटक दल के
प्रवक्ताओं को बुलाया गया था और वहां एक बैठक हुई, उसके लिए पूरा सेमिनार चला और ये बातें हुई कि आखिर कैसे हमको अपने विरोधियों को घेरना है, उनके आइडेंटिफाई करना है, उनकी नाकामियों और कमियों को सामने रखना है और अपनी खूबियों को सामने रखना है देश की जनता के सामने। ये सारा प्लान और स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ माधव आनंद को भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और ये जिम्मेवारी खास करके जब पूरी तरह से ये बात कही जा रही है कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बहुत ज्यादा उलझा हुआ नहीं है, जहां एक तरफ हमने आपको बताया कि ये समीकरण है, तो वहीं सीटों की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि जो अब तक संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी की सीटें हैं, जिसमें जमुई है, हाजीपुर है, वैशाली है, मुंगेर है, नवादा है, ये सभी छह सीटें जो हैं उन छह सीटों में एक सीतामढ़ी की माफ कीजिए समस्तीपुर की सीट है, ये सभी सीटों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है इसमें कहा यह जा रहा है कि एक दो सीटें और बढ़ सकती हैं चिराग पासवान की, तो वहीं 2014 से अलग कहा जा रहा है कि एक सीट शेयरिंग का समझौता होगा आरएलजेडी के साथ, जो पहले आरएलएसपी हुआ करती थी, यानी जो उपेंद्र कुशवाहा की टीम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसमें माधव आनंद लीड कर रहे हैं और माधव आनंद को ने ये बातें अक्सर आपने देखा होगा कि पार्टी से जुड़े संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर वो काफी मुखर रहे हैं। माधव आनंद के तरफ से कहा यह जा रहा है कि जो समीकरण उन्होंने दिया है उस पर पूरी तरह से अब आने वाला 2024 का चुनाव टिका हुआ है। उसी बीच आपको बता दें कि आरएलजेडी को लेकर के भी सूचनाएं आ रही हैं कि काराकट, सीतामढ़ी, सुपौल और वाल्मीकि नगर के अलावे एक और सीट पे चर्चा हो रही है और वो फाइनल हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कुछ सीटें हैं जिस पर पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है, एक तरफ आपने देखा होगा कि काराकट में उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, तो वहीं सीतामढ़ी में भी उनकी टीम पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारियों में लग गई है और सीतामढ़ी में इस बार इंडिया गठबंधन को हराने के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से आरएलजेडी को प्रतिनिधित्व तो मिलने वाला है। ये बातें भी कमोबेश अब लगभग फाइनल होने लगी है। तो वहीं सुपौल की लड़ाई में भी पूरी तरह से आरएलजेडी तैयार नजर आ रही है, वहां तो उम्मीदवार भी उसने खोज लिया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब पूरी तरह से आरएलजेडी तैयार नजर आ रही है। सुपौल के लिए बैद्यनाथ मेहता को लगभग पार्टी ने ओके कर दिया है, क्योंकि उनकी तैयारियों को देखें, उनको आप देखें तो किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और खास करके उपेंद्र कुशवाहा के जो सीमांचल और मिथिलांचल का क्षेत्र है वहाँ पूरे कार्यक्रम को वो लीड कर रहे हैं। सुपौल में उन्होंने अपना खूंटा गाड़ दिया है और लगातार अपने अनुभव के आधार पर, चूंकि उनका एक जीवन रहा है वो राजनीतिक जीवन भी रहा है, उनका पारिवारिक जीवन में राजनीतिक जीवन का पुट भरा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक अधिकारी होने के नाते, IRS होने के नाते उन्हें ये भी पता है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जहाँ सुपौल की सीट पर पूरी तरह से अपना खूंटा गाड़ने के लिए आरएलजेडी तैयार हो गई है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं वाल्मीकि नगर भी एक सीट है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये सीट भी आरएलजेडी के खाते में जाएगी। एक सीट और आरएलजेडी का दावा है जिसमें से पांच सीटें जो हैं वो आरएलजेडी अपने खाते में रखना चाहती है। अब इसमें से देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी सीटें उसे मिलती है, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा पूरा जो ध्यान है वो बिहार में खास करके इन युवाओं पर है। एक तरफ जहां चिराग पासवान पर ध्यान है तो वहीं आपने देखा होगा कि एक ध्यान उनका माधव आनंद पर है, तो अपनी पार्टी के तरफ से उन्होंने राष्ट्रीय कमेटी में सिर्फ एक व्यक्ति ऋतुराज सिन्हा को रख करके ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो करना क्या चाहते हैं। इसमें पूरी तरह से आपने देखा होगा कि एक समीकरण नजर आ रहा होगा जिसमें यूथ के हाथ में सब कुछ देने की तैयारी चल रही है। सम्राट चौधरी भी यूथ ही हैं और उनको भी एक मौका दिया गया है, तो सम्राट चौधरी की जो नई टीम बनी है उसको किस तरह से ढाला गया है ये भी आपको पता है। इन सारी परिस्थितियों को अगर एक तरफ रख के देखते हैं तो जहां चिराग पासवान पर पूरा पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो वहीं माधव आनंद भी अब
नरेंद्र मोदी के टीम का एक कोर टीम का हिस्सा हो गए। मीडिया में उन्होंने देखा, कल भी वो जब बात कर रहे थे, रख रहे थे एक निजी चैनल पे अपनी बात, तो उन्होंने बड़ा ही मैं अलग अंदाज में रखा, जो साफ दिखा रहा था कि ये भाषा एनडीए की ही हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में भी माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा जब कई बार मुलाकात कर चुके हैं, चाहे वो अमित शाह से हो, जेपी नड्डा से हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो, तो लगभग 5 सीटों का उन्होंने लिस्ट दिया है, जिसमें से अधिकांश उनकी बातें मान ली गई है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दो युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक युवा जो राष्ट्रीय टीम में है, वो सब मिल करके किस तरह से बिहार में पोर्ट्रे करते हैं पूरी रणनीति को, और जमीन पे उतार करके इंडिया गठबंधन या बिहार की महागठबंधन सरकार को और महागठबंधन को किस तरह से पीछे ढकेलते हैं, क्योंकि इस बार टारगेट 40-on-40 है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।